सरकार द्वारा यूं तो बच्चियों की पढ़ाई और उनके रहने आदि की व्यवस्थाओं को लेकर छात्रावास संचालित किए गए हैं और बच्चियों के रहने खाने की व्यवस्थाओं को लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन पन्ना जिले में छात्रावासों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मामला तब उजागर हुआ जब जिला पंचायत के अध्यक्ष और भाजपा नेता संतोष सिंह यादव ने जिला मुख्यालय के BRC में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहाँ की व्यवस्थाओं को देख उनके भी होश उड़ गए। बता दें कि बच्चियों ने जैसे ही जिला पंचायत उपाध्यक्ष सहित अन्य लोगों को आते देखा तो तत्काल ही अपनी आप बीती बतानी शुरू कर दी। बच्चियों ने बताया कि अगर वह बीमार हो जाती हैं और अधीक्षिका को फ़ोन लगाती हैं तो अधीक्षिका फ़ोन नहीं उठाती, और अगर उठा भी लिया तो कहती हैं मरो चाहे जियो, मेरे पास फ़ोन मत लगाओ। इतना ही नहीं, बच्चियों ने बताया कि ना तो उन्हें अच्छा खाना दिया जाता है और ना ही अन्य किसी प्रकार की व्यवस्थाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। वहीं इस पूरे मामले में जब जिला पंचायत उपाध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से छात्रावास की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिस पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जहां व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं पाया गया। चारों ओर गंदगी का अंबार है, खाने पीने की भी सही व्यवस्था नहीं पाई गई। उन्होंने उक्त अधीक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हो रही थी, लेकिन कल मैंने एक अपना औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया कि उधर गंदगी का तो इतना अंबार था कि पूछो मत। आप गंदगी, गैलरी में गंदगी, रूम में गंदगी, गंदगी तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी। बाथरूम में करीब आधा आधा फिट पानी भरा हुआ था, बाथरूम में सारी चोक थी। वाटर कूलर जो हैं वो भी बंद पड़े हुए थे उसमें, और बच्चियों को इस मौसम में बाहर के जो बाहर एक नल लगा हुआ था उस नल का पानी पिला रहे हैं, वो फिल्टर की कोई व्यवस्था नहीं उधर। और खाना भी देखा मैंने तो खाना इस तरीके का खाना कि जिस प्रकार जेल में कैदियों को खाना दिया जाता है, जेल में कैदियों को रखा जाता, सेम उसी तरह बच्चियों को उधर रखा जा रहा। बच्चियों के साथ बहुत ही ज़्यादा जास्ती हो रही, तो मैंने देखा भी अच्छी व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। नहीं, रहने की भी व्यवस्था तो देख के आया ही मैं, तो उधर कोई खास नहीं है। और जो उनके बच्चियों के रूम में जो मच्छर जाली होना चाहिए थी, किसी भी रूम में मच्छर जाली नहीं है, और भड़े पड़े मच्छर, उससे बच्चियां बीमार भी हो रही। और बीमार होती हैं बच्चियां तो वो अधीक्षक को रात में अगर फ़ोन लगाती हूँ कहती हैं कि वो रात में फ़ोन मत लगाया करो,